हाय ऑल, दिस इज अंजलि। और इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th आईपी का कंप्लीट कोर्स फॉर द सेशन 2021। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, चैप्टर वाइज फ्रॉम सुमिता अरोड़ा बुक कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं आफ्टर द डिडक्शन, जो 30% सिलेबस आपका इस सेशन के लिए रिड्यूस हुआ है वो वाले टॉपिक्स हम नहीं करेंगे इस सीरीज में। सो हम सारे वो टॉपिक्स करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, and we will practice that. We will be doing all the chapters of Sumita Arora, along with that the back exercises, and we will be solving all those questions जो भी इसमें given है। आगे जाके हम इसके sample papers भी practice करेंगे। so मतलब पूरा साल आप अच्छे से practice करोगे, and I'll make sure कि आपके 100 में से 100 ही आए, कोई गुंजाइश ना रहे कहीं marks कटने की, but उसके लिए आपको भी उतना ही contribution देना पड़ेगा। I will give you the content which you have to watch and learn. So आपको कंटेंट मिल रहा है, आप देखोगे सीखोगे, लेकिन अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आपको डाउट पूछना है। सो यू हैव टू राइट द कमेंट एंड आस्क द डाउट कि मैम ये नहीं समझ आया, दोबारा से बता दो। या कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं दिखता है, आपके स्कूल में पूछा जाता है, जो आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे करना है, यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क योर डाउट्स। बाकी वीक में एक दिन लाइव सेशन होगा, तो वो उस दिन आप मुझे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, एंड वील क्लियर दैट एज वेल। सो आई विल ट्राई फ्रॉम माई साइड कि जितना हो सके मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, एंड यस आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओ। एंड यस, वन मोर थिंग, आप जब भी क्लास अटेंड करते हो, जब भी आप वीडियो देखते हो, कीप योर वन रजिस्टर और नोटबुक विद यू, और एक पेन अपने साथ रखो। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो, और जो प्रोग्राम्स हम करेंगे उसके आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी ऑन द सिस्टम, तभी आपको अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। सो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग लिस्ट। पर उससे पहले आई विल टेल यू व्हाट पांडास इज। सो आपके पास जो पहला चैप्टर है बुक में, उसका नाम ही है पाइथन पांडास 1। सो द फर्स्ट चैप्टर इज नेम्ड लाइक दैट। अब पांडास क्या है? पांडास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। पांडास इज अ लाइब्रेरी इन पाइथन, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं ऑन द डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स विच पांडास अलाउ अस टू यूज़। सो आपके सिलेबस में दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको पांडा लाइब्रेरी में से यूज़ करने हैं। पहला है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम। सो कोई भी जो आपके पास एक्स्ट्रा लाइब्रेरी होती है उसको हम इम्पोर्ट करते हैं यूज़ करने से पहले। सो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट पांडास। अब आप चाहो तो कोडिंग के बीच में इसका नाम थोड़ा छोटा करके यूज़ करना चाहते हो तो आप इसको एक अलायस भी दे सकते हो। तो मैंने इसको अलायस दे दिया पीडी। नहीं भी दूंगी तो जहाँ जहाँ पे मैं अभी पीडी लिख रही हूँ वहाँ मुझे पूरा पांडास वर्ड लिखना पड़ता, दैट इज़ द डिफरेंस। सो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी को हम इम्पोर्ट कर लेते हैं ताकि हम अपनी फाइल में यूज़ कर सकें। चाहे आप इसे पाइथन IDLE में काम कर रहे होते, जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हो, पाइचाम में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आपको इम्पोर्ट ऐसे ही लिखना है। सो एनी ऑफ द इंटरफेस यू आर यूजिंग, चाहे आप एनाकोंडा में काम कर रहे हो, IDLE, पाइचाम, वेयर एवर, ठीक है। सो ये आपने इम्पोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। पहला है सीरीज, दूसरा है डेटा फ्रेम। सीरीज इज़ वन डायमेंशनल एंड डेटा फ्रेम इज टू डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में नंबर्स हैं। यू कैन से दिस इज़ माई फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट, दिस इज थर्ड एलिमेंट, सो दैट इज़ वन डायमेंशनल। लेकिन डेटा फ्रेम होता है टू डायमेंशनल। आप कहते हो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू, जैसे हमारे पास टेबल होते हैं ना डेटा स्टोर करने के लिए। सो जो टेबल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? डेटा फ्रेम्स। सो आई कैन या अभी हम जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से वो वर्क करता है। एंड बीच बीच में मैं वीडियोज़ आपकी वाइट बोर्ड पर भी बनाऊंगी ताकि आपको जहाँ पे कुछ लिख के दिखाने की ज़रूरत है या ड्रॉ करके दिखाने की ज़रूरत है तो आपको वहाँ समझ आ जाए। बट अभी जो हमें काम करना था वो कोडिंग से रिलेटेड था, दैट्स वाई आई एम मेकिंग द वीडियो लाइक दिस। सो वी विल बी डूइंग बोथ थ्योरी सेशंस ऑन द बोर्ड एंड वी विल बी डूइंग द प्रैक्टिकल सेशंस लाइक दिस, ठीक है। सो अभी क्या करना है आपको? सीरीज बनानी है। तो डेटा फ्रेम भी हम करेंगे जब हम आगे डेटा फ्रेम पे पहुंचेंगे। सो एक बार हम सीरीज और डेटा फ्रेम करेंगे तो फिर हम पूरी लिस्ट करेंगे दोनों के बीच के डिफरेंसेस की, कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अभी जो समझते हैं आपको वो सिर्फ इतना है कि सीरीज वन डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल है। हम देखते हैं कि वन डायमेंशनल कैसे क्रिएट होगा। अब 11th में आपने किया था, जैसे आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो आप उसकी एक लिस्ट ले सकते हो ऐसे, ठीक है। आई टेकन दिस लिस्ट, तो ये क्या हो गई मेरे पास? लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स। मुझे इसकी सीरीज क्रिएट करनी है। तो सीरीज कैसे क्रिएट होती है? आप यहाँ पर लिखोगे कुछ भी, आपने लिखा सीरीज M। ज़रूरी नहीं है कि आप
उसमें सीरीज वर्ड यूज़ करो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वट एवर यू फील लाइक. सो मैंने दे दिया मार्क्स अंडर स्कोर सीरीज इज इक्वल टू पी डी, दैट इज पांडा डॉट सीरीज. सो ये वाला जो सीरीज मैं लिख रही हूँ इसका एस कैपिटल है, पाइथन इज केस सेंसिटिव, सो यू हैव टू रिमेंबर पी डी डॉट सीरीज. इसके बीच में आप अपनी लिस्ट पास कर दो, आपने लिस्ट पास कर दी मार्क्स, और उसके बाद आप प्रिंट करना चाहते हो कि क्या सीरीज क्रिएट हुई है. सो आई कैन राइट हियर क्रिएटेड सीरीज इज एंड आई वॉन्ट टू प्रिंट ऑन द नेक्स्ट लाइन. सो मैंने फिर से प्रिंट लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया मार्क्स अंडर स्कोर सीरीज. और इतने से कोड को मैं अभी रन करके देखती हूँ. मैंने फाइल का नाम दिया है पांडास, सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस. सो मैंने यहाँ से किया रन पांडा एंड आप देख रहे हो आउटपुट क्रिएटेड सीरीज इज 0 पोजिशन पे 78 है, 1 पे 34, 2 पे 23, 3 पे 12. अब इसमें और जो नॉर्मल लिस्ट हमने बनाई थी उसमें क्या फ़र्क है? नॉर्मल लिस्ट इस तरह से प्रिंट नहीं होती है. अगर आप यहाँ पे प्रिंट कराओगे कि ओरिजिनल लिस्ट इज, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कर लिया. सो हम कहते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट 0 पोजिशन पे होता है, सेकेंड एलिमेंट 1 पोजिशन पे होता है, बट इट इज़ नॉट मार्क्ड एज इंडिसेस इन सीरीज लाइक दिस. सो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपके पास कैसे प्रिंट कर रहा है वो 78, 34, 23, 12 इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, जैसे हमने स्टोर किया था वैसे ही प्रिंट भी हो रही है यहाँ पर. सो लिस्ट इस तरीके से ट्रीट होती है. दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो गई आपके पास, ये यहाँ पे इंडिसेस दे दिए गए हैं. पहली पोजिशन का इंडेक्स है 0, सेकेंड पोजिशन का इंडेक्स है 1, 2, 3. सो दे आर रेफर्ड बाय द इंडेक्स. रेफर तो हम लिस्ट को भी इंडेक्स से कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये इंडेक्स इस तरह से शो भी होते हैं. सो सीरीज में इंडेक्स हमेशा दिया जाता है एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि इंडेक्स ज़रूरी नहीं कि हमेशा 0, 1, 2, 3 ही होंगे. आप अपनी चॉइस का इंडेक्स भी दे सकते हो, जो हम आगे जाके करेंगे कि कैसे हम इंडेक्स खुद दे सकते हैं, बट वी कैन चेंज द इंडेक्स एज वेल. ओके, सो ये तो हो गया एक एग्जाम्पल कि कैसे आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो विद अ गिवन लिस्ट. सो हमारे पास कोई भी लिस्ट हो हम उसकी हेल्प से सीरीज क्रिएट कर सकते हैं. और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट को पहले यहाँ पर दो और उसके बाद उसे यूज़ करो, मैं डायरेक्टली भी कर सकती हूँ. अगर मेरे पास मुझे एक सीरीज बनानी है ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20, सो आपका क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ सीरीज ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 20, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लिख सकते हो. सो एक तरीका तो ये है, अब 2 to 20 की जगह मान लो 2 to 10 है. सो आई कैन डू लाइक दिस, ठीक है. इसको अगर मैं अभी रन करती हूँ तो मेरे पास सीरीज प्रिंट हो जाएगी जिसमें सारे इवन नंबर्स हैं फ्रॉम 2 to 10. क्या ये चीज़ करने का कोई और तरीका हो सकता है? थिंक अबाउट इट. 11th में आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी हेल्प से आपके पास 2 से लेके 20 तक के सारे इवन नंबर्स आ जाएं. हैव यू डन एनीथिंग लाइक दैट इन 12th? थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ और जोर लगा के शायद आपको याद आए कि हमारे पास एक फंक्शन होता है रेंज. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 221.2, दैट मीन्स इट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज गोइंग टू जनरेट अ लिस्ट जिसमें 2 से लेकर 21 एक्सक्लूसिव होगा, तो वहाँ तक के सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे. क्यों आएंगे इवन नंबर्स? आप स्टार्ट कर रहे हो 2 से और 2 के इंटरवल पे ये चीज़ काम करेगी. सो 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6 एंड सो ऑन अप टू 21. सो अगर हम इसको रन करेंगे सो वी विल बी गेटिंग द सीरीज लाइक दिस. सो आप रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट अ रेंज ऑफ नंबर्स इन अ सीरीज, ठीक है. सो इस तरह से भी आपकी सीरीज क्रिएट की जा सकती है. सो यू कैन हैव एनी लिस्ट विच कैन बी कन्वर्टेड टू अ सीरीज. यू कैन हैव रेंज, अगर आपको कोई भी फॉर्मूला है जैसे आपको कहा जाता है 5 का टेबल चाहिए तो आप लिख सकते हो 5, 51, 5, दैट विल पुट 5 का मल्टीप्लीकेशन टेबल इन द सीरीज. एंड सीरीज की जो इंडिविजुअल पोजिशंस हैं वो इंडेक्स के अकॉर्डिंगली आती हैं, लाइक फर्स्ट वैल्यू विल बी एट इंडेक्स 0, सेकेंड विल बी एट इंडेक्स 1. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीरीज सिर्फ नंबर्स के लिए क्रिएट हो सकती हैं, सीरीज किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट हो सकती है. जैसे कि आपको नेम्स के लिए क्रिएट करनी है तो मैंने लिखा नेम्स इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक लिस्ट में कुछ नाम लिख सकती हूँ. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ नंबर्स ही ले सकते हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इन योर सीरीज. सो वट एवर वी वॉन्ट वी कैन टेक, और उसके बाद आप उसको प्रिंट कराओगे तो इनके भी इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2, 3 होंगे,
बट लेटर आई विल टेल यू कि आप अपनी मर्जी के इंडेक्स कैसे दे सकते हो. सो यू कैन डू दैट. सो अभी हमने सिर्फ ये किया है कि सीरीज लिस्ट से कैसे क्रिएट हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट लेसन में हम करेंगे कि डिक्शनरी की हेल्प से आप सीरीज कैसे क्रिएट करते हो एंड हाउ डज दैट अफेक्ट इंडेक्सेस, और फिर हम खुद की चॉइस के इंडेक्स कैसे दे सकते हैं. सो वो टॉपिक्स जो हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मैं एक वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं कर रही हूँ. सो पहले छोटे छोटे टॉपिक्स करते जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करते जाओ ताकि आपको हर एक टॉपिक एक एक करके अच्छे से क्लियर हो. फाइन, सो जस्ट डू दिस फर्स्ट इन योर कंप्यूटर. अपने कंप्यूटर में से करके देखो, मुझे बताओ कोई एरर आता है, आप नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है. डू राइट दैट इन कमेंट्स. अगर सक्सेसफुली कर लिया तो भी राइट इन कमेंट्स दैट यू आर एबल टू डू इट सक्सेसफुली. डू लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर बैचमेट्स, और आपके जो स्कूल में जूनियर्स हैं उन्हें भी बताओ कि क्लास 11th के कोर्सेज भी चैनल पे अवेलेबल हैं. सो दे कैन ऑल्सो कम एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लर्न देयर कोर्सेज, एंड इट्स ऑल फ्री, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.